सिद्धान गुरु जी। जय सत्यम सिद्धान महा। गुरु जी, जैसे घर में खुशी बरकत और ये कर्ज वगैरह से मुक्ति के लिए घर में खुशहाली हो और आपस में प्रेम बना रहे, इसका कोई उपाय है यंत्र के थ्रू? हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ जो तंत्र शास्त्र है और तीन चीज़ें हैं, तंत्र मंत्र यंत्र। तो इसमें जो तंत्र में सारा सिस्टमेटिक, तंत्र का अर्थ है सिस्टमेटिक होना। और मैं आज जैसे आज 18 फरवरी है तो 18 फरवरी के दिवस पर भगवान रामकृष्ण परमहंस और जो है आपका चेतन महाप्रभु दोनों का जन्म दिवस है और उस पर सभी भक्तों को आशीर्वाद के साथ शुभकामनाएं उनके जन्मदिवस पर। और रामकृष्ण परमहंस का फाउंडेशन जो है रामकृष्ण मिशन है और चेतन महाप्रभु ने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये मंत्र महामंत्र महानाम जनता के भक्ति मार्ग के लिए दिया। तो असल में इन दोनों व्यक्तियों ने तंत्र शास्त्र की ज्ञाता थी, वेदांत के ज्ञाता थे, तंत्र शास्त्र के, और खासकर रामकृष्ण परमहंस की जीवनी में आपको मिलेगा पंचवटी। उन्होंने सबसे पहले अपनी तंत्र साधना में 64 प्रकार की तंत्र साधना में, जब भैरवी आई उससे भी पहले की चीज़ें ये, तो उन्होंने 64 प्रकार की तंत्र साधना के लिए सबसे पहले जो है पंचमुंडी आसन, दो पंचमुंडी आसन बनाए और पंचवटी निर्मित करी। तो पंचवटी में होता है वट का वट वृक्ष, नीम, पीपल और आंवला और आपका जो अशोक, ये पाँच जो है वो लगाते, और उसके चारों तरफ वृक्ष लगाने के बाद में फिर तुलसी की वटी, जो तुलसी है चारों माई झाड़ सी रहे जिससे दिखाई ना दे, वो व्रत होता है जिससे चारों तरफ का एक तरीके से हम यंत्र बनाएंगे तो उसमें, तो ये पंचदेवों का प्रतीक होता है। जो पंचदेव है हमारे, जो तत्व भी है हमारा पंच तत्व हैं, पृथ्वी आकाश जल वायु नीर इस तरीके से। तो अगेन, तो ये सब का स्थापना की जाती है विधिवत, और उसमें चूँकि पीछे तांबे के यंत्रों पे वो सब बनाए जाते थे अलग अलग, और उनकी स्थापना हर वृक्ष के नीचे की जाती थी। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ उसमें से एक रहस्य। वो रहस्य ये है कि किस प्रकार से हम जो अपने अपने जो घर में पौधे वगैरह हैं इनके नीचे किस प्रकार एक ताबीज़ बनाकर, चाहे तो आप 5-10 ताबीज़ बना लें, वो आपकी इच्छा है कि जितने भी आपके घर में हैं इस तरीके का। तो आप अगर घर में प्रसन्नता का वातावरण लाने चाहते हैं तो गुलाब है, गुलाब की तरह आपका घर महकेगा और प्रसन्नता खिलापन आएगा, उदासीनता समाप्त होगी। गेंदा है आपके घर में तो ये भी आपके अंदर घर में खुशी प्रसन्नता लाएगा। और जैसे आपके यहाँ दुख संकट भरे रहते हैं तो उसके लिए आपके यहाँ कैक्टस है, उसके नीचे भी लगा सकते हो। कैक्टस जो है उसके कांटे एक तरीके से दुखों को नष्ट करते हैं, बुरा नहीं होता कोई भी चीज़। संसार में ईश्वर ने जो भी चीज़ बनाई है बुरी नहीं है। और मेरा जो है उसका विषय वो है अनार का पेड़ और अमरूद का पेड़। तो आप अपने अनार का पौधा लाएँ और अमरूद का पौधा लाएँ, जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा वैसी वैसी फल बढ़ता चलेगा, उस पर फल प्रकट होंगे, आपके घर में भी वैभव ऐश्वर्य शांति सुख समृद्धि ये सब बढ़ते चलेंगे। घर में मांगलिक कार्य जो अवरोध आ रहा वो होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और अनेकों प्रकार के जो भी आपके काल सर्प दोष, पितृ दोष, चौकी ग्रहण ये सब नष्ट होते हैं। क्योंकि पौधा जीवंत है एक प्रकार का, वो भी मनुष्य की भांति जीवंत है ईश्वर के, उसमें ये प्रमाणित है हमारे यहाँ तो शास्त्रों में प्रमाणित है। तो ये जितना भी उसके नीचे से ताबीज़ जब बन के लगेगा उसके नीचे, तो मंत्रों के साथ और आप नियमित समय उदंगे, आप चाहे तुलसा में लगा लें, तुलसा में भी इस तरीके का उपयोग है, तुलसा जी के तो पूजा ही है। तो आप यह मैं यंत्र बता रहा हूँ यह बना के उस तरीके से विधिवत करें और उसको नीचे ताबीज़ को गाड़ देना, मट्टी उससे ढक देना, और जितना वो विषय चलेगा बढ़ेगा उतना ही आपके घर में कृपा रहेगी। इस पर कई एग्जाम्पल भी हैं। मेरे पास एक बहुत पुराना भक्त आया और उसने कही कि भाई हमारे घर में गुरुजी बरकत रहे। ऐसे समय की बात होती है, मेरे मन में आई उसे, मैंने एक ताबीज़ बना के उसे इस तरीके से दे दिया। तो बना के ताबीज़ दे दिया, वो तो गुरुओं के द्वारा निर्मित होती है और उसमें गुरु मंत्र होता है, इष्ट मंत्र होता है और बाकायदा संकल्प होता है। सारा खेल संकल्प का है, शुभ संकल्प करिए शुभ रहेगा, अशुभ संकल्प डर से करोगे किसी काम को, पता नहीं बुरा ना हो जाए, तांत्रिक क्रियाएँ इनसे कोई अनिष्ट नहीं होता। ईश्वर सब जानता है, आपका गुरु सब जानता है, और जो आपका आत्मा में भाव है वो आपकी आत्मा जानती है कि आप शुद्धि भाव से कर रहे हैं, इसलिए आपको टोटल लाभ मिलेगा ही। तो उस भक्त के यहाँ था, ऐसी अनार का पौधा मंगाया, उसमें ताबीज़ निर्मित करके लगा दिया और वो उसके यहाँ बरकत होनी शुरू हो गई। उसका ट्रकों का काम था, ट्रकों का काम जो रुका पड़ा वो सब बढ़ना शुरू हो गया। नतीजा क्या हुआ, जब उसके घर में काफ़ी बरकत हो गई तो उसने अपने जो काफ़ी हाथा था उसका काफ़ी बड़ा, तो उसमें गेट के पास ही में लगा रखा, और तो को पता नहीं था इस विषय में, तो उन्होंने लगा दी। बीच में क्या हुआ, एक तांत्रिक आया काफ़ी साल के बाद, उसने अपनी साधना से पता कर लिया होगा कि भाई कहाँ से ऐसी सिद्ध ताबीज़ मिल सकता है जो किसी सिद्ध के द्वारा निर्मित हो। तो वो आ गया, उसने थोड़ी कुछ बात बताई
उन्होंने औरतों को लगा कि हाँ सही है, बोले तुम्हारे यहाँ वैसे तो सब भगवान की कृपा है, बड़ा ऐश्वर्य है, तो लेकिन जो है क्या हमें करना चाहिए कि जो है मैं ऐसा दिखाऊंगा कि आपके घर में ग्रंथ भी है, जो भी तत्काल में गाड़ी गई है उस आपका अनिष्ट हो जाएगा। तो वो भी डर गए थोड़े से, पुरुष से पूछी नहीं, तो उसने वो उसे अंदाज़ा हो गया कि अनार का पेड़ है, खूब वृक्ष फल रहा, तो उसने वाग जाई, तो अनार के वृक्ष के नीचे गिझाई सी हो रही, जैसी उसे खोदा तो गिझाइयाँ निकली आई, छोटी छोटी गिंडार सी। वो असल में वैभव ऐश्वर्य था उसका, ताबीज़ के साथ साथ वो बढ़ रहा उसके यहाँ। उसने वो निकाला ताबीज़, बोला ये है तुम्हारे यहाँ, ये किसी ने कर दिया, उन्होंने कहा महाराज इसे ले जाओ, बल्कि दान दक्षिणा ली, उसने सज्जा ताबीज़ लिया, चला गया। उसके घर में उसी दिन से नाश होना प्रारंभ हो गया। बाद में आए गए गुरुदेव, हमें दूसरा ताबीज़ बना दो। खैर वो विषय एक अलग है, क्योंकि जो है फिर ऐसी कृपाएँ हमेशा नहीं होती हैं, तो वो सब ये एग्जाम्पल है इस तरीके का। और बहुतों के इस तरीके की बरक्कत हुई, तत्काल में प्रभावी विषय है ये, बहुत तेज़ी से प्रभाव करता है, सारे तंत्र मंत्र की काट भी है। अगर आप किसी प्रकार का कष्ट आपके घर में, दुख का वातावरण है, रोगी रहता है घर में, तो ये सब आप विषय तुरंत ऐसा करके लगाएंगे तो आप देखेंगे चमत्कार। और इसके साथ मैं सारा बताता चलता हूँ। तो ये इसमें ताबीज है, और अलग अलग प्रकार के ताबीज होते हैं, चांदी, तांबा, पीतल और इस तरीके के साथ अलग अलग ताबीज होते हैं। और इसमें जो मैं यंत्र बनाऊँगा वो भोजपत्र, इस पर यंत्र बनता है चीज़ को लेकर, और यंत्र को लेकर यंत्र बनाएगा भोजपत्र पे, और इस पर मैं सामान्य तौर पर इस पर बना के दिखाऊंगा। तो अगर आपके पास में कोई गुरु मंत्र है तो बहुत बढ़िया, गुरु मंत्र से बनाएं, इष्ट मंत्र से बनाएं, गुरु मंत्र नहीं है तो जो भी आपका पूजा पाठ का कुछ भी ऐसा संबंधित है और उस संबंधित इस पर यहाँ बनाओगे। तो वैसे तो मैं ये कहूँगा जो कि हमारे यहाँ तो सत्यम सिद्धायनिंग फट स्वाहा का विशेष वो है, और उससे ये सब मैं बना के दिखाऊंगा तुम्हें चीज़ों को लेकर। तो यहाँ तो सबसे पहले अपना जो भी है ओम ये लिखें, यहाँ पे बिंदु लगाएं, बिंदु से ही सृष्टि है, बिंदु में ही लय होना है, और फिर उसके इससे व्रत बनाएं, ये व्रत, और इसमें षटकोण बनाना होता है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऊर्ध्वलिंग और निम्न योनि से, निम्न का मतलब नीचे की ओर होने वाली योनि मार्ग, तो ये षटकोण बन जाता है। इसके अंदर ही हम लिखेंगे सत्य ओम सिद्धाय नमः, इसमें पूरा मंत्र आ जाता है, ईम और फट और स्वाहा, ये हो गया। अब यहाँ पे जो है इस मंत्र के जो 16 बीज अक्षर हैं उनका भी स्थापना की जाती है, तो उसमें सम तम यम अम ओम मम सम ईम दम धम आम यम एम नम मम और हम, अर्थात से ते ये ए ऊ में से ई दे धे आ ये ए ने में है, सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा, ये इसका है। और फिर इसको इसके चारों ओर पत्तियां बना दी जाती हैं बीज मंत्रों के चारों ओर, बीज मंत्र के और चारों पत्तियां बनाने से इसका उतार बीज मंत्रों का विस्तार होना, तो जितना इसका विस्तार करोगे उतना ही यंत्र ये बनता चले जाए बीच में। तो अगर आपके गुरुदेव हैं तो उनके उनसे प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, और या अपना जो इष्ट है तो उसका इस अपना करें, हे इष्ट, आपकी जो भी इष्ट हैं उसका, और हे इष्ट देव मेरी ये मनोकामना है मेरे घर में सुख शांति रहे, इस तरीके फलीभूत हो सब अच्छा कुछ, और उसके नीचे ये अपना नाम गोत्र वगैरह लिख दें, अपने अपना नाम लिखें, जो भी परिवार में स्वजन उपस्थित हैं आपके जो नज़दीकी हैं, मतलब आपकी माता भी नहीं है या पिता भी नहीं है तो उनका नाम लिखा जाता क्योंकि वो अभी ही तत्काल पितृ होते हैं। तो इसमें ऊपर लिखेंगे ओम श्री गुरुवाय नमः, अगर आपके गुरु मंत्र नहीं है तो ओम श्री गुरुवाय नमः ये लिखेंगे, और इधर अपना इष्ट मंत्र लिखेंगे जो भी है, जैसे यहाँ सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा, ये हो गया। और ये तो मैं थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ, और नीचे भी अपना सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा ये लिखेंगे, सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा। और अगर पितरों में बिलीव करते हो तो एक साइड में लिखेंगे
ओम पित्राय नमः और एक साइड में देवताओं का, तो यहाँ लिखेंगे ओम पित्राय नमः और इधर लिखेंगे ओम देव अपने देवों का, ओम सर्व देवी मतलब देव्या और देवी का देवी नमः, ये होगा सामान्य मंत्र है। अब इसमें जो अगर विशिष्ट बनवाने तो पुरोहित से पंडित से जो भी आपके पास हो सब बनाओ, लेकिन मैं जो इसमें विश्वास रखता हूँ कि आप स्वयं ही बनाएं, भक्ति प्रधानता इसमें मुख्य है, तो जितना आप इसे बनाएंगे और फिर इसके अंदर ये जो मैंने सादा बता दिया भोजपत्र पर तो बनाएंगे, ये सब भोजपत्र बनाना, अगर आपको भोजपत्र पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, ये 5-10 रुपये का आता है और इस चीज़ को लेकर इस पर बनाना है। तो यहाँ मेरा चूँकि विषय तुम्हें ज्ञान का तौर पर बता देना है तो इसलिए ये सारा विषय। अब इसमें दो लौंग, ये यहाँ पे दो लौंग हैं, ये आप दो लौंग लेंगे और फूल वाली लौंग हो जिसमें फूल इसके आगे बना हुआ हो, खंड इतनी होनी चाहिए। इसे आप घी से जो जल रही है उसी घी से और थोड़ा सा इसमें बतासे कि जो है टुकड़ा आप लगा लें, हल्का सा इसके ऊपर लगा लें भोग के तौर पर। अब जो भी आपका इष्ट मंत्र है, जैसे आपका हमारे यहाँ इष्ट मंत्र है सत्योम सिद्धाय नमः इं फट स्वाहा, तो सत्योम सिद्धाय नमः इं फट स्वाहा कहा और जो भी आपकी मनोकामना है उसको आप बोलेंगे कि भाई ये मेरी मनोकामना है कि हम तो ये कहेंगे कि भाई समस्त जीव जंतु समस्त मनुष्य की सुख शांति के लिए कल्याण हो, परिवारों में सुख शांति रहे, धैर्य की वृद्धि हो या अब यश बढ़े, अपयस मान हानि वगैरह ये सब नष्ट हो, गुप्त पितर शत्रु का दमन हो, ये सब लिखते हुए ये तो हमारा विषय है कि हम समाज में अपना संदेश किस तरीके से दे रहे हैं। और ये भोग लगाते हुए इस पर तो जैसे ही थोड़ा सा चटर पटर करे भोग लग गया इसका, और इसको यहाँ पे पहले दो लौंग ये चीज़ का ये दो लौंग आपने भोग लगा के इधर रख लिया। अब आप इसी यंत्र पर जब आप पूरा लिख लेंगे तो जरा सा सा अपने जो दीपक में से सतिया बनाएं, सतिया स्वास्तिक बनाना और उसके चारों ये केंद्र करने और इस पर ये जो है भोग अर्पित करके इस तरीके से ये लगा देंगे। और ये जो अभी आपने भोग लगाया है ये इसके ऊपर लगा कर रख दें, सामने की ओर इसे रखें और फिर इसको मोड़ दें, ये आपका इस तरीके से होगा। ये तो क्योंकि बड़े स्टेज पर दिखा रहा हूँ तो इसलिए ऐसा लगेगा भाई ये ताबीज़ में खाएगा, तो अगर ना भी आपके पास ताबीज़ की व्यवस्था हो तो आप इसको पन्नी से लपेट लेंगे, जैसे पहले तो इससे बांधेंगे आप धागे से, अब अपना मंत्र पढ़ते चले जाएँ और सीधी ओर लगाना है सत्योम सिद्धाय नमः इं फट स्वाहा और सत्योम सिद्धाय नमः इं फट स्वाहा, ये सब करते हुए और अपनी मनोकामना बीच में बोलते रहें कि भाई मेरी ये मनोकामना सिद्ध हो। सिद्धि के संबंध में तो उसका भी है, सिद्धियों के संबंध में तो जैसे वटवृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ कर साधना करनी, ये विषय में बताऊँगा। और इसको इस तरीके से घुमाया और चूंकि ये ताबीज़ तो भाई यहाँ छोटे हैं, छोटे ताबीज़ हैं तो भोजपत्र का जो बना हुआ है इसके अंदर आप रख देंगे। और अगर आपका ताबीज़ बहुत बड़ा मतलब ये सब ताबीज़ बड़ा बना है मनोकामनाओं के आधार पर तो आप इसे पन्नी में लपेट दें जिससे इसके अंदर पानी ना जाए, पानी नहीं जाएगा तो ये नहीं है कि पानी से जो शक्ति है वो तो अपना काम करती है, तो कुछ समय के बाद उसको आप जैसे ये लेकर आओ अनार का पेड़ तो सिंपली याद क्योंकि इसमें ये चीज़ है यहाँ रखो इस चीज़ को लेकर और इसकी जड़ में जैसे इसको इसकी जड़ में नीचे बांध देंगे। अब यहाँ मैं इस तरीके से नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा ये सब इस पे हाई बांध के इसको इस तरीके से अब इस जड़ से इसको बांध देंगे। 3 बार लपेटा लेना जड़ से, 7 बार नहीं लेना, 3 बार इसे इस तरीके से लपेटे लेंगे और 3 बार लपेटे के बाद में इसको बांध दिया। 3 ही गांठ मुख्य होती हैं, 2 गांठों की नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश सर सरस्वती लक्ष्मी काली इस तरीके से और ये आपका इसके नीचे बंध गया। अब जैसे ये चीज़ है तो अब क्या करना है इसको खोद के, नहीं नहीं अभी दिखाने की कोई आवश्यकता वैसे विशेष है नहीं क्योंकि ये तो हमारा अलग चीज़, तो इसमें जो है उठाकर इसमें रख देंगे और मंत्र बोलते रहेंगे। इसे अपने घर में जिस तरीके से भी है बहुत से ईशान कोण में कुछ उत्तर अलग अलग दिशाओं में स्थापना करते हैं, मूल में इस तरीके स्थापना करें। ये तो घर का विषय हो गया कि भाई सूरज की तरफ मतलब हमारा जो है अब सूरज की तरफ मुँह रहना चाहिए,
सीधा सा पूजा पाठ में भी, लेकिन मूल बात यही है कि इसको अपने घर में जहाँ व्यवस्था है वहाँ रख दें, ये सीधी सी बात है। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा, फल वाले वृक्ष लगाएं, अमरूद और अनार सबसे बेस्ट होता है, और मैंने बता दी प्रसन्नता के लिए गुलाब और गेंदा, और वैसी साधनाओं के लिए वटवृक्ष, बेल का वृक्ष और अनेक प्रकार की, और जहाँ कैक्टस है आपके घर में तो कैक्टस आपके यहाँ जितने भी दुख और कांटे हैं, दुख रूपी कांटे हैं, उनका विनाश करता, तो आप उस कैक्टस में भी जोड़कर नीचे लगा सकते हैं। और जैसे ही इस तरीके का ये विदेशी होते हैं पौधे, इस तरीके की चीज़ें समझे, एक ट्री है तो इसके नीचे भी लगा सकते हैं। बात असल में फल से है, फल वाला वृक्ष हो, और जिसमें कि अमरूद, और अगर आप आपका खेतों में है तो आम, आम का वृक्ष रहे, और अनार अपने घर में, जो जो अनार बढ़ेगा त्यों तो इसका लाभ आपके घर में बढ़ता चला जाएगा। पद प्रतिष्ठा वृद्धि विवाह मांगलिक कार्य संतति सुख और जो धन ऐश्वर्य, ये सारी चीज़ें, कर्ज से मुक्ति, अनेकों प्रकार का धीरे 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 आप देखोगे चमत्कार अपने। अब ये ले आएगा सवाल कि जी कितने लगाएं, तो कितने लगाएं का मतलब ये है आप अपने नॉर्मली एक लगा सकते हैं, पाँच तक लगा सकते हैं, और आपके अगर घर में काफ़ी हैं तो अगर 10 तक पौधे हैं तो लगा लो, ऐसा कुछ नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना उसका बनाते हो। ताबीज़ बनाना आपका काम है, मैंने उस विधि बता दी कि कागज़ पर मंत्र लिखें और इससे भोग लगाएं, इस तरीके सारा विषय यहाँ मैंने आपको बता दिया संक्षिप्त में। इसको जब करेंगे तो आप लाभ पाएंगे, प्रसन्नता पाएंगे, और इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।